अब अच्छे से टिक्कियां गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, मैं होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से बेसन से बनने वाली एक सब्जी। टिपिकल सिंधी डिश है ये, हर घर में बनती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की टिक्की की सब्जी। हर घर में इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कोई इसे बॉइल करके बनाता है, कोई इसे फ्राई करके बनाता है। आज मैं फ्राई करके बनाऊंगी और इस सब्जी के साथ मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल सिंधी फुलका, जो कि सिंधी खास करके बनाते हैं। वो बनाने का उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस सब्जी के साथ ये फुलका खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ख़ास करके जो लोग एजेड हैं, जिन्हें चबाने में दिक्कत होती है, वो लोग ये फुलका खाते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट बनता है और इसके अंदर बहुत सारा घी होता है, तो चबाने में उनको आसानी होती है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं बेसन की टिक्की की सब्जी और सिंधी फुलका। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मेरे इंस्टाग्राम पेज रानू शर्मा व्लॉग्स को ज़रूर से फॉलो करिए। बाय बाय, मिलते हैं किचन में रेसिपी के साथ। सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से चॉप कर दिया है, अब बनाना चालू करते हैं सब्जी। तो टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे और उसके लिए हम ले रहे हैं बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत बारीक काटा है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया जिसे धोकर पहले मैंने पानी में भिगोया था, बारीक कटा हुआ फ्रेश पुदीना। आप चाहें तो इसमें पुदीने का पाउडर भी डाल सकते हैं, सूखे हुए पुदीने का। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक, ऐड करेंगे तेल, इसे एक बार अच्छे से मिक्स देते हैं। मिक्स देने से पता चलता है कि तेल की क्वांटिटी इसमें सही है या कम है, उस हिसाब से उसमें आप बाद में ऐड कर सकते हो। तेल की क्वांटिटी इसमें सही लग रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो हमारा डो बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम थोड़ा सा पहले हथेली पे तेल लगाएंगे और थोड़ा सा आटा लेकर इस तरीके से छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे इस तरीके से। अब टिक्कियाँ हमने बना दी है, अभी पहले हम हाल फिलहाल चार ही तलेंगे। इसे ज़्यादा एक साथ तलते हैं तो अंदर से कच्ची रह जाती है। तेल हो चुका है गरम और अब एक एक करके हम तेल में डालेंगे। इसे दोनों साइड से अच्छे से पकाना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से तेल में फ्राई होने देना है। अब अच्छे से टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो टिक्कियाँ सभी अच्छे से तल चुकी है, अब हमने कढ़ाई में रखा है तेल गरम करने। इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज, अब इसे अच्छे से सिकने देते हैं और थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे टमाटर। प्याज अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर भी एकदम बारीक कटा हुआ है, इस सब्जी में ऐसा ही होना चाहिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, नमक, और थोड़ा
थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे करते हैं हम और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर थोड़ी देर के लिए मसाले को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। तो मसाला एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा ही ऐड करेंगे। और अब फ्राइड टिक्कियाँ। तो अब जब तक टिक्की इसके अंदर अच्छे से नरम नहीं हो जाती खाने लायक, इसे ढककर रख देंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना। तो चलिए देख लेते हैं हमारी सब्जी हुई है या नहीं। तो हमारी सब्जी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और जिस सिंधी फुलके के बारे में मैंने आपको बताया था वो मैंने आज भी बनाना ट्राई किया, पर आज भी मुझसे नहीं बना। मैं पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मम्मी की वीडियो, मम्मी वो रोटी कैसे बनाती है और वो रोटी कैसी बनती है। तो हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, बेसन की टिक्की, सिंधी फुलका और छाछ।